नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अलकला में नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़िता को घर से अगवा कर दो पड़ोसी युवकों ने पहले तो किशोरी के साथ गैंगरेप किया, फिर उसका MMS क्लिप बना लिया, जिस संबंध में पुलिस को शिकायत की गई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोप है कि पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आरोपी पीड़िता के परिजनों को गैंगरेप का वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने आज SP ऑफिस पहुंचकर आरोपी युवकों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पेशे शामली से गुलजार राणा की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका। SP ऑफिस पर SP साहब से मिले, क्या मामला, क्यों आए? सर, क्या हमारे घर पे 3 लड़के आए और फिर इधर देखो मेरा मुंह बीच के अपने घर पे ले गए, एक फिर मेरे साथ गलत काम करा, तीनों फिर मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे लेके चले गए। अच्छा, तो थाने में नहीं गए थे तुम? तो वहाँ क्या कहा, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब SP साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? आप क्या चाहते हो? सर, मैं चाहती हूँ सजावटी ना कुछ उनके साथ। कौन थे वो लड़के? एक तो सुनील था, अब एक रोहित था और एक नीतीश था। आपके मोहल्ले के रहने वाले? बोल, क्या नाम आप? कविता। SP ऑफिस पर आए आप? इसलिए आए थे कि हमें फैसला मिलना चाहिए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरी बेटी को घर से उठा कर ले गई और हमें जिन्हें क्या सुनाया पता नहीं, और मेरी बेटी के साथ बहुत गलत काम किया और मेरी बेटी को फेंक के चले गए। अच्छा, तो क्या कहा SP साहब? SP साहब ने ये कहा शिव के पास में जाना, वहाँ पर आप बोलने जाके भी करेंगे जो भी करेंगे। अच्छा, कौन लोग हैं? वे 3 लोग हुए हैं, नितिन और रोहित और सुनील। अच्छा, थाने पर गए थे आप पहले? थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं की? वहाँ पर गए थे हम और जी क्या करें, उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही थी हमारी, और क्या करें, रिपोर्ट लिखने के बाद में कह सुने से रिपोर्ट ली और थोड़ी बहुत धमकी दे के चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं करते हुए। यानी कि आरोपी जो है खुले घूम रहे? हाँ जी, खुले घूम रहे हैं, अब तक गिरफ्तार ही नहीं हुए।